क्या आपको पता है पबजी मोबाइल या BGMI की सबसे एक्सपेंसिव आउटफिट कौन सी है? अगर आप सोच रहे हो कि एक्सूट में पोसाइडन एक्सूट है या ब्लड रेमन एक्सूट है या ओशन आर्कलोड एक्सूट है तो आप बिल्कुल गलत है। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मोस्ट एक्सपेंसिव आउटफिट BGMI की, एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपके रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल किशोर कुमार, और आगे हम आपस एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने बात की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव आउटफिट ऑफ BGMI के बारे में। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने जा रहा है, तो प्लीज वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस, आज की वीडियो में जो भी हमने रैंकिंग रखी गई है, मतलब रैंकिंग रखी है आउटफिट्स की, वो इस हिसाब से रखी कि वो कितना रेयर है, कितनी बार आज तक वो आया है, एंड वो उस वक्त में कितने यूसी में निकलता था, मतलब हिसाब से रखी कि लोगों को कितने हिसाब से उसके ऑर्ड्स होते थे और कितने लोगों के पास वो आउटफिट थे, इस कारण से उसकी रैंकिंग रखी है। एंड गाइस, जो भी चैनल पर नया अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार हमें 8000 सब्सक्राइबर और चाहिए भाई, प्लीज कर दो 100K, प्लीज कर दो। एंड इस इंस्टाग्राम पर फॉलो करने जाते कर सकते हो कि हमें रॉयल पास की गिवअवे कराते रहते हैं। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 10, तो दोस्तों नंबर 10 में जो मोस्ट एक्सपेंसिव आउटफिट आता है उसका नाम टाइम ट्रेवल सेट है। ये सबसे पहली बार सीजन 3 में रिलीज हुआ था। अगर आप उस वक्त में इस पे यूसी लगा रहे थे तो आप पे 20,000 से लेकर 30,000 तक के आपके मिनिमम यूसी लग जाते थे। ये पबजी प्रीमियम क्रेट में आया था, एंड उस वक्त में आपको पता है ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे। एंड उसके बाद ये दोबारा रिपीट हुआ था सीजन 6 में, एंड ये काफ़ी रेयर भी हो जाता है इस कारण से क्योंकि भाई अब तक ये दो बार ही आया है, एंड उस वक्त में लोगों ने निकाल लेता, एंड ये 20-30,000 यूसी में आपका सेट निकल जाया करता था। एंड किसी बंदे का मतलब लकी होता तो पहली क्रेट में भी निकल जाता था, वरना इतना यूसी तो आपको लगाना पड़ता था मिनिमम के लिए। सो गाइस, कमेंट में बताना किसके पास ये सेट है। नंबर 9, तो दोस्तों नंबर 9 पे जो सेट आता है ये भी सीजन 3 में रिलीज हुआ था, इसका नाम गनस्लिंगर सेट है। इसमें आपको मैं बता रहा था ये भी प्रीमियम क्रेट में ही रिलीज हुआ था। इस वक्त में अगर आपको उसको निकालना होता था तो इसमें भी भाई सेम अमाउंट में 20-30,000 यूसी लगता था, मतलब इतने में आराम से निकल जाता था। एंड उसके बाद ये सीजन 6 में आपको पता है क्लासिक रेट में था, मतलब क्लासिक रेट में उस वक्त में इतना झोल बाजी थी, उस वक्त अगर आपको निकालना था तो आपका अगर लक होगा तो निकलेगा, वरना आपको 50,000 यूसी मिनिमम लगाने पड़ेंगे इस सेट को निकालने के लिए। सो गाइस, कमेंट से बताना किसका तुक्के में निकला था। नहीं, आप कितने भी पुराने ओल्ड प्लेयर जो लकी लकी जिनकी मोस्ट एक्सपेंसिव इन्वेंटरी उन पे भी ये सेट बहुत कम ही पाएंगे, मतलब बहुत कम बंदों पे ही पाएंगे। सो गाइस, बढ़ते अपने अगले आउटफिट पर। नंबर 8, तो दोस्तों नंबर 8 पे जो मोस्ट एक्सपेंसिव आउटफिट आता है भाई, उस पर नाम है प्रॉलर्स है। सो गाइस, ये जो सेट है सबसे पहले सीजन 2 में रिलीज हुआ था, एंड ये उस वक्त का सबसे एक्सपेंसिव सेट था क्योंकि भाई ये निकलता ही नहीं था। अगर आपको 30,000 से लेकर कम से कम 50,000 यूसी तक के बीच में रेंज में था, अगर आपका लक होता था निकल जाता था, पर ये बाद में तरह रेंज नहीं रहा क्योंकि भाई ये क्लासिक में लोगों का निकलने लग गया था, तो इस कारण से रेंज नहीं रहा। पर क्लासिक का आपको स्कैम पता ही है कि उस वक्त में कम लोगों का ही निकलता था, तो बहुत मतलब कम बंदों का निकला था। जैसे आप देख सकते स्टार बॉय ने भी 32,000 यूसी लगाए थे, स्टार बॉय की वीडियो जैसे आप देख सकते हो उनका जब जाके निकला था। सो गाइस, कमेंट बताना आप में से कितने बंदों के पास प्रॉलर सेट है, मैं जरूर जाना चाहूंगा। नंबर 7, तो दोस्तों नंबर पे जो सेट आता है इसका नाम एक्सट्रीम पंक सेट है। ये भी काफी रेयर हो जाता है क्योंकि ये जो इतने सेट दिखाया अब तक ये एक बार से लेकर दो बार आए हैं, एंड ये भी भाई सबसे पहले सीजन 3 में रिलीज हुआ था, प्रीमियम क्रेट में आया था। तो उस वक्त में प्रीमियम क्रेट का अलग ही रुतबा था कि मतलब देख सकते क्या ही ड्रेस आती थी, मतलब जो रियलिस्टिक होती है, अब तो यार कार्टून टाइप की ड्रेस आती थी। इसको भी निकालने कम से कम 20,000 से लेकर 30,000 यूसी, 30,000 से 40,000 रुपए भी होता था। एंड उसके बाद आपको पता ये वापस उसमें आ गया था सीजन 6 में क्लासिक रेट में, एक दो सीजन उसमें रहा था जिस कारण से इसकी रेट ही कम हो गई थी, मतलब तुक्के में लोगों का निकल जाता, पर यूसी में आपको इतने हज़ार यूसी खर्च करने ही पड़ते थे। नंबर 6, तो दोस्तों नंबर 6 में जो सेट आता है इसका नाम आपको मैं बता देता हूँ, इसका नाम गोल्ड ट्रिगर कोड है भाई। ये भी बहुत रेयर कोड है, आपको मैं बता देता हूँ, जो ये देख पा रहे हो अभी भाई बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि ये भी सीजन 3 में रिलीज हुआ था, एंड जब ये रिलीज हुआ था उस वक्त लोगों को कम से कम 30,000 यूसी तो मिनिमम लगाने पड़ते थे क्योंकि आते ही 40 क्लासिक क्रेट में आया था। क्लासिक क्रेट इज अ स्कैम, मतलब 30-40,000 यूसी में उस वक्त नहीं निकलता था, बस ये तो आपकी लक की बात थी, निकल जाता था निकल जाता, पर आपको पता है फिर बाद में ये क्लासिक में थोड़ा बहुत लोगों को निकलने लग गया था, इस कारण थोड़ा कम रेयर हो गया था। पर इसके लिए कम से कम आपको 30,000 से लेकर 40,000 यूसी तक उड़ाने पड़ते थे जो कि काफ़ी रेयर हो जाता था।
नंबर फाइव, तो दोस्तों नंबर फाइव पे जो आ जाता है वो एक्स सूट आ जाता है, आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आप कोई सा भी एक्स सूट मान सकते हैं, फेयर हो एक्स सूट, सेम अमाउंट हो, सब में यूज ही लगते हैं। ओशन आर्क लोड, मतलब जितने भी एक्स सूट है ब्लड रहे हैं, तो आपको पता है एक एक्स सूट निकालने का कम से कम आपके 15,000 यूज ही लगता है, मैक्स करने में आपके 60,000 से लेकर 80,000 यूज ही लगता है। अब भाई आपको बताते हैं मैंने 5 रुपये इस पर रखा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि भाई 5 रुपये जब इसे रखा तो आगे जाके कौन से होंगे, मतलब इसमें कम से कम आपको 80,000 यूसी में मतलब निकल जाता होगा। आगे जितने भी सेट इससे भी मोस्ट एक्सपेंसिव होने जा रहे हैं। तो गाइस कमेंट बताना किस किसने एक्स सूट निकाला है, नहीं मैं जरूर जानना चाहूंगा। नंबर फोर, तो दोस्तों नंबर फोर पे जो सेट आ जाता है उसका नाम भाई आपको पता है फॉरेस्ट सेल्फ सेट है। ये भाई क्लासिक रेट में सबसे पहले आते ही रिलीज हुआ था, एंड ये भाई क्लासिक रेट आपको पता है स्कैम है भाई, मतलब कितने निकाल लो अगर आपका लक होगा तो निकल जाएगा। इसका अगर आपको फुल सेट निकालना था तो कम से कम आपके 70,000 यूसी से लेकर भाई 1,00,000 या 2,00,000 यूसी तक निकल जाते थे, मतलब इतना तो मिनिमम लगता ही था इसे निकालने के लिए। अगर आपका लक होगा तो पहले में निकल जाएगा, पर आपका फुल सेट जब भी नहीं निकलता था आपका भाई बहुत ज़्यादा था। अगर आप यूट्यूब पर भी क्रिएटर में देखोगे तो मतलब लोगों को 70,000 यूसी, 1,00,000 यूसी, 2,00,000 यूसी मिनिमम लगे थे, एंड इस कारण से काफी रेयर हो जाता है। पर ये अभी नए जमाने में आया था सेट, तो इतना रेयर नहीं रहा, क्योंकि बहुत से लोगों ने पैसा ज्यादा पैसे लगाते थे, आपको झोल माल की यूसी भी लगा रहते थे। नंबर थ्री, तो दोस्तों नंबर थ्री में जो मोस्ट एक्सपेंसिव सूट आ जाता है भाई, वो मतलब आप सोच रहे हो कि कौन सा है, तो इस सूट का नाम है डायस्ट्रोपियन सर्वाइवर मास्क। जो ये देख रहे हैं ये सबसे पहली बार PMSC स्पेशल क्रेट में आया था, ये सबसे पहली बार आया था 2018 में, एंड उसके बाद शायद मेरे हिसाब से आया नहीं था जहां तक मेरे को लगता है, ये आज तक एक बार ही आया। इसका जो क्रेट आया था आप जैसे देख सकते हैं 180 यूसी का क्रेट था, ये मोस्ट एक्सपेंसिव हो जाता था, क्योंकि आपको पता उस वक्त मतलब 1620 यूसी का निकलता था। मिथिक आउटफिट कम से कम 50,000-40,000 यूसी से लेकर 80,000 यूसी में निकलता था। यार मैंने इसे नंबर थ्री पे इसलिए रखा क्योंकि बहुत कम लोगों पे है, मतलब ओनली ओल्ड स्पेंडर्स पे ये आउटफिट होगा, ये काफी रेयर भी हो जाता है। सो गाइस कमेंट में बताना आपको ये वाला सेट पता था नहीं, मैं जरूर जानना चाहूंगा। नंबर टू, तो दोस्तों नंबर टू में जो सेट आ जाता है वो बेब सूट आ जाता है। ये भी मोस्ट रेयर है, क्योंकि सबसे पहली बार सीजन 3 में आया, उसके बाद ये आज तक कभी नहीं आया ब्लू वाला। 180 यूसी का एक क्रेट होती थी यार भाई, बेब क्रेट का आप कितनी पुरानी ओपनिंग देख लेना, ये इस वक्त का सबसे बड़ा स्कैम होता है। मतलब आप अगर इसमें लगा रहे थे कम से कम आपको इसे पाने के लिए कम से कम 40,000 यूसी लगाने पड़ते थे मिनिमम, और 60,000 यूसी तक निकलता था, मतलब इतना अगर आपका लक बैठा था तो निकलता था। उस वक्त में लेजेंडरी के बहुत कम ओड्स थे, बेब सूट में बहुत तगड़े ओड्स नहीं हुआ करते थे, मतलब क्या ही बताए। सो गाइस आज की वीडियो का एम है 1,000 कमेंट्स या 2,000 कमेंट कर दो, मेरे को पता आप करते नहीं है तो क्या कहना यार, बुरा लगता है दिल से। नंबर वन, तो दोस्तों नंबर वन पे जो मोस्ट एक्सपेंसिव सेट आता है ना, वो आता है पबजी ट्रेंच कोट। ये सबसे पहली बार सीजन 2 में रिलीज हुआ था, एंड आपको मैं बता देता हूँ ये मोस्ट एक्सपेंसिव सेट इसलिए जाता है क्योंकि इसका भी भाई सेम 180 यूसी में एक क्रेट खुलता था, एंड आपको पता है मिथिक के ओर्ड्स कितने पूरा बेकार होते हैं, एंड भाई इस सेट के लिए कम से कम आपको 80,000 यूसी तो मिनिमम लगाने पड़ते थे, और 2,00,000 तक एक जाता था, मतलब 80,000 यूसी से लेकर 2,00,000 यूसी में अगर आप लगाते थे तब ये जाके निकलता था। सो गाइस कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं, कल भी इस कमेंट में बताना। गाइस मेरे एग्जाम खत्म होते एक कंटेंट लाऊंगा भाई, आपको दावा करता हूं आपको मजा आ जाएगा, तो प्लीज ये थोड़े दिन की बात है, बस थोड़ा दिन सबर करो। टाटा बाय बाय।